हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और सिल्वर के इंटर टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स दिए थे उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कल के लेवल्स को मार्क करेंगे। तो यहाँ से अगर हम नोटिस करें, हमने दो डिस्कस से लेवल मार्क किए थे। यहाँ से सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, वहाँ फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ रही थी, लेकिन इतने में मार्केट क्लोज हो गई। आज मंडे है, मंडे को मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होती है। तो यहाँ से देखिए, मार्केट ने ओपनिंग जरूर करी है, लेकिन सेल साइड का ट्रेड भी एक्टिवेट कर दिया इमिजिएटली। यहाँ से मार्केट ने सेल साइड का स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट किया, ट्रेड फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, इसलिए मार्केट थर्ड टारगेट के बहुत क्लोज आई है, लेकिन मार्केट ने इसको हिट नहीं किया और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। तो अभी जो है मार्केट हमें किस तरह का मूवमेंट दे सकती है, उसको मार्क करने के लिए सबसे पहले जो मार्किंग्स है इसको हम इरेज कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि छोटे ट्रेड्स ही डिस्कस कीजिएगा, छोटे ट्रेड्स में ही एंट्री कीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स आपको नहीं मिलने वाले। हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट थोड़े से नीचे आई, फिर से वापस ऊपर गई है, जिगजैग मूवमेंट में आई है, फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक करने के बाद फिर से एक मूवमेंट दिया, लेकिन फिर वापस मार्केट ऊपर चली गई है। तो ज़्यादा देर हमें आज ट्रेड्स नहीं लेने थे, होल्ड नहीं करने थे। सेम चीज़ कल के लिए भी है कि कल भी आप जो है प्रेफर कीजिएगा कि आप छोटे ट्रेड्स में ही एंट्री लें, ज़्यादा देर मार्केट में मत रुकिएगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कल के लिए आपके दो डिसाइसिव लेवल्स होंगे। एक होगा 104.970, 104.952। दो छोटे छोटे से लेवल्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं कल के लिए। अपर लेवल टूटता है तो 105.029, 105.052, 087 और 115 हमारे बाई साइड के टारगेट्स रहेंगे। सेल साइड में मार्केट आती है रेजिस्टेंस लेकर, तो 104.900, 104.827 और 795, ये हमारे सेल साइड के मूव्स रह सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गोल्ड के लेवल्स को। तो गोल्ड के लेवल्स देखिए, यहाँ से मार्केट ने बाय साइड एक्टिवेट किया, फर्स्ट टारगेट हिट किया, फिर से मार्केट ने सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट को क्रॉस करते हुए मार्केट काफ़ी नीचे तक गिरी है। तो गोल्ड में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल मूव देखने को मिला है। और डेली चार्ट पे एक बार नज़र डालते हैं हम यहाँ पर। डेली चार्ट पे देखिए, मार्केट ने इसको ब्रेक किया था और इसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएटेड है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस लेवल पर आकर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट भी फेस किया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 2361 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देगी और यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट लेकर कल हमें ग्रीन कैंडल दे सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब मार्किंग कर लेते हैं। 2361 हमारा अपसाइड का डिसाइसिव लेवल रहेगा। मार्केट इसको लेवल को ब्रेक करती है तो 2365, 69 और 2374 हमारे टारगेट्स रहेंगे, बाय मूव रहेंगे। सेल साइड पे मार्केट एक्टिवेट करती है टारगेट्स, तो 2352, 2348, 2346 हमारे सेल साइड के ट्रेड्स रहने वाले हैं। तो इनको आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। साथ ही हम बात कर लेते हैं XAG USD और सिल्वर की भी। XAG USD में देखिए, मार्केट ने सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टारगेट भी मार्केट ने हिट किया, उसके बाद भी नीचे आई है और ये ट्रेंड लाइन के आसपास से आकर मार्केट ने देखिए सपोर्ट लेकर हमें एक हैमर टाइप कैंडल दिया। एग्जैक्ट हमें नहीं है, बट मार्केट ने हमें एक पिन के साथ कैंडल दिया है आज। तो अभी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनी हुई लग रही है कि मार्केट थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन इससे पहले हम कुछ भी स्टेटमेंट दें, हम एक बार इसको डे के चार्ट पे ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो डे के चार्ट पे देखिए, सेम चीज़ ऐसी हुई जैसे गोल्ड के साथ हुई है। यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही थी, बुलिश कैंडल थी, यहाँ से पॉसिबिलिटी बाय साइड की भी थी। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट सेल साइड पे गिरना शुरू करती है तो हमें सेल साइड का अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, और सेम वैसा ही हुआ है। अब हमें मार्किंग करनी है कल के लिए। तो कल के लिए हमारा जो डिसाइसिव लेवल रहेगा 30.68 सबसे पहले बाय साइड के लिए रहेगा। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो बाय मूव मिलेगा 30.91, 30.90, 31.09 और 31.25, ये हमारे रहेंगे बाय साइड के रेट्स। और सेल साइड की अगर हम बात करें तो सेल साइड पे ज़्यादा स्ट्रांगली हमें भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि नीचे जो ट्रेंड लाइन है ये हमें सपोर्ट दे सकती है। तो सेम लेवल से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो 30.58, 30.43 यहाँ तक हम रुक जाएंगे। इसके नीचे अगर मार्केट जाती भी है तो मार्केट जा सकती है 30.34, 30.26 तक, लेकिन मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्सल भी ले सकती है। तो इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो सेल साइड में बने रहना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सिल्वर की बात करें तो मार्केट ने सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट मार्केट ने
तीनों के तीनों टारगेट्स बहुत अच्छे से आज हिट किए हैं। और कल के लिए बात करते हैं, मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हमने जो ब्लैक लेवल्स मार्क कर रखे हैं ना, इनको हम सबसे पहले ग्रीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे डिसेसिव लेवल्स की जगह अब कन्वर्ट हो जाएंगे टारगेट लेवल्स में। डिसेसिव लेवल रहेगा हमारा 92,794 और दूसरा रहेगा हमारा 92,501 का लेवल। अपर लेवल टूटता है तो 93,317, 93,852 हमारे टारगेट्स रहेंगे। सेल्स इन मार्केट रेट एक्टिवेट करती है तो 92,242, 92,059, 91,806 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं सेल्स हेड के लिए। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, जो हमें काफ़ी दिनों से सपोर्ट दे रही है, ये फिर से हमारे सपोर्ट का काम कर सकती है। सो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए और डाटा एनालिसिस की वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। अकाउंट किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से फंड्स ऐड विड्रॉ करने हैं, इसके लिए आपको जो वीडियोस हैं एंड स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। साथ के साथ ऊपर आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें आप अकाउंट ओपन कैसे करना है उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।